दोस्तों अगर आपके पास पेटीएम बिजनेस अकाउंट है तो आपके पास जो भी पैसे सेंड करेगा तो वो पैसे आपके पेटीएम बिजनेस अकाउंट में आएंगे और नेक्स्ट डे आपके वो पैसे आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिए जाते हैं। लेकिन अगर वो पैसे आपको अर्जेंट बैंक में चाहिए होते हैं तो वो पैसे आप अर्जेंट बैंक में कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, आज की इस वीडियो में आपको यही बताया गया। दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो आइए जानते हैं कि आप पेटीएम बिजनेस अकाउंट से डायरेक्ट अपने बैंक अकाउंट में पैसे कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप शुरू से बताऊंगा कि आप बिजनेस अकाउंट से बैंक में पैसे कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मुझे टुडे में कोई भी पेमेंट रिसीव नहीं हुई है। तो सबसे पहले मैं अपने बिजनेस अकाउंट में यहाँ पैसे ट्रांसफर कर लेता हूँ। तो मैं अपना पेटीएम अकाउंट को ओपन कर लेता हूँ। मैं आपको यहाँ पे शुरू से करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको यहाँ पे कोई भी कंफ्यूजन ना हो। यहाँ पे मैं पे पर क्लिक करता हूँ और अपने पेटीएम बिजनेस अकाउंट नंबर पर 300 रुपीज़ सेंड कर देता हूँ। तो ये पैसे यहाँ पे हो जाएंगे। इसके बाद मैं यहाँ पे बैक आ जाता हूँ और दोबारा से यहाँ पे पेटीएम बिजनेस को ओपन कर लेता हूँ। देखते हैं ये पैसे मेरे पास आ चुके हैं या फिर नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे टुडे में 300 रुपीज़ यहाँ पे आ चुके हैं। तो मुझे इन पैसों को बैंक में ट्रांसफ़र करने हैं। अगर आप इन पैसों को ट्रांसफ़र नहीं करते तो ये पैसे आपके नेक्स्ट डे 6 AM पर आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। लेकिन हमें तो ये पैसे इंस्टेंट अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने हैं। तो आपको इन पैसों को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए आपको यहाँ पे सेटलमेंट पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका यहाँ पे अवेलेबल बैलेंस में आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि आपके बिजनेस अकाउंट में यहाँ पे कितने पैसे पड़े हुए हैं। तो आपको इन पैसों को अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करने के लिए आपको यहाँ पे सेटल नाउ पर क्लिक करना है। इसके बाद आप यहाँ पे पैसे एंटर करेंगे कि आप कितने पैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हो। अगर आप अपने बिजनेस अकाउंट के सभी पैसे अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हो तो आप इसमें कुछ भी बदलाव मत कीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे कि आपको पैसे किस में चाहिए। अगर वॉलेट में चाहिए तो आप यहाँ पे वॉलेट पर क्लिक करेंगे। अगर बैंक में चाहिए तो आप यहाँ पे पेटीएम बैंक पर क्लिक करेंगे। अगर आपने यहाँ पे कोई दूसरा बैंक लिंक किया हुआ है तो आपका वो बैंक में यहाँ पे शो होगा। इसके बाद आप यहाँ पे प्रोड्यूस पर क्लिक करेंगे तो ये पैसे आपके बैंक अकाउंट में तुरंत ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं। जैसे कि मैं आपको यहाँ पे बैक आके अपना दूसरा पेटीएम एप्लीकेशन ओपन करके दिखा देता हूँ। तो देख सकते हैं मेरे पास यहाँ पे मैसेज भी आ चुका है। तो मैं यहाँ पे बैंक पर क्लिक करता हूँ, अपना पासकोड एंटर कर लेता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं सेविंग अकाउंट में मेरे पास यहाँ पे 300 रुपीज़ आ चुके हैं। दोस्तों आगे मैं आपको यहाँ पे पेटीएम पेमेंट की स्टेटमेंट दिखा रहा था, परंतु पेटीएम सिक्योरिटी रीजन की वजह से यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं हो पाई। तो प्रूफ के तौर पर मुझे यहाँ पे इस तरह से रिकॉर्डिंग करनी पड़ रही है। यहाँ पर आप टाइमिंग मैच कर सकते हो कि मेरे पास पैसे किस टाइम पे आए हैं। तो इस तरह से आप पेटीएम बिजनेस अकाउंट से तुरंत पैसे निकाल के अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। अगर आपको अभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकती है या फिर आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकती है।